जीतन राम मांझी जी पार्टी के प्रत्याशी यहां से होंगे और 28 तारीख को अपना नामांकन जारी करेंगे। गया की जनता भारी मतों से आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी को यहां से चुनाव जिता कर दिया। गया के विकास के लिए जब वो मुख्यमंत्री थे तो उनके अंदर एक चिंता थी और उन्होंने एक कोशिश किया था। हम समझते हैं कैसे व्यक्ति लोकसभा में जाएंगे, तो बिहार में गया दिखेगा वहाँ पर, और हम समझते हैं गया के जो अधूरे काम हैं वो निश्चित तौर पर पूरे होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप, मैं हूँ आपके साथ अमृता पांडे। लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया है। सीटों के बंटवारे में हम पार्टी को एक सीट दिया गया जो कि गया है। गया से अब उम्मीदवार कौन होगा इसकी घोषणा अब कर दी गई है। हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन ने आज बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी साझा की है। संतोष सुमन ने यह साफ किया है कि गया सीट से खुद जीतन राम मांझी चुनाव लड़ेंगे। इसकी औपचारिक ऐलान भी संतोष सुमन ने कर दिया है। 28 तारीख को नामांकन की तिथि है, यानी कि जीतन राम मांझी चुनाव के लिए 28 तारीख को नामांकन करेंगे। क्या कुछ कह रहे हैं संतोष सुमन, पहले इस वीडियो में सुनिए। पार्टी ने फैसला किया है, मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते फैसला लिया गया है कि आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी पार्टी के प्रत्याशी यहां से होंगे और 28 तारीख को अपना नामांकन जारी करेंगे। इसके लिए हम आप सबको यही सूचना देने के लिए आज बुलाए हैं और आपसे अपेक्षा करेंगे कि आपका भी सहयोग हम लोग को मिलता रहेगा और आपके माध्यम से सभी यहाँ के मतदाता भाई को, सभी यहाँ के जो हमारे जनता हैं, महान जनता, सभी को हम अपील करेंगे। एक स्वच्छ छवि के व्यक्ति आपके बीच में आए हैं जिनका एक बहुत बड़ा कार्यकाल रहा है, जो बिहार के विकास के लिए, देश के विकास के लिए और ख़ास करके गया के विकास के लिए, जब वो मुख्यमंत्री थे तो उनके अंदर एक चिंता थी और उन्होंने एक कोशिश किया था। हम समझते हैं कैसे व्यक्ति लोकसभा में जाएंगे तो अग्रणी पंक्ति में बैठेंगे और बिहार में गया दिखेगा वहाँ पर, और हम समझते हैं गया के जो अधूरे काम हैं वो निश्चित तौर पर पूरे होंगे। इसलिए आपके माध्यम से सभी लोगों को शुभकामना देते हैं और सभी लोगों से अपील करते हैं कि हम लोग के प्रत्याशी जो जीतन राम मांझी जी आए हैं उनको पूरा आशीर्वाद मिलेगा। इसीलिए आज आप सबको बुलाया गया है, आप सबको बहुत धन्यवाद। प्रमुख घटक जदयू के जिलाध्यक्ष गया जिलाध्यक्ष देखिए एनडीए इंटैक्ट है और कोई व्यक्ति के आने जाने से हमको नहीं लगता है कि इस पर बहुत टिप्पणी करने की ज़रूरत है। हम लोग अपनी रणनीति पर कर रहे हैं, जिनको कहाँ आना है कहाँ जाना है उनकी अपनी मर्जी है, अपनी सोच है, वो स्वतंत्र हैं। वो जहाँ भी गए हैं वो अपना अपनी जगह अपना सोच से गए होंगे। हम लोग हैं, हम लोग की तैयारी पूरी है और हम लोग पूरे एनडीए के शीर्ष नेता जितने भी हैं, चाहे माननीय नीतीश कुमार जी हों, हमारे मुख्यमंत्री जी हों, उन सब लोगों का साथ हम लोगों का साथ है और सब मिल के हम चुनाव लड़ रहे हैं। एक व्यक्ति का नाम आप लेते हैं, किसी एक व्यक्ति के इधर उधर जाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। गया की जनता भारी मतों से आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी को यहाँ से चुनाव जिता कर दे। सर, बोध गया के विधायक को टिकट मिला है गया कुमार सर, मुकाबला खड़ा हो गया। देखिए कोई ना कोई को तो लड़ना ही था, अब हम आप लोगों के माध्यम से सुने हैं कि सरबजीत जी को मिला है, चलिए अच्छी बात है मिला है, लेकिन हम तो अपने एजेंडे पर कायम है, अपने मुद्दों पर कायम है, अपने मुद्दों के साथ जनता के बीच में है और कौन किन का मिलता है, कौन सामने विपक्ष होते हैं, हम अपनी तैयारी पूरी तरह से करना चाहते हैं और जनता के बीच हम अपने मुद्दों के साथ जाएंगे, बाकी हम लोग कुछ सोच। तो संतोष सुमन ने यह औपचारिक ऐलान कर दिया है कि गया सीट से जीतन राम मांझी खुद चुनाव लड़ेंगे। 28 तारीख को वो नॉमिनेशन भी कराएंगे और चुनाव के मैदान में जीतन राम मांझी खुद रहेंगे। इसके साथ ही महागठबंधन से कुमार सर्वजीत के चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि महागठबंधन से किसी न किसी को तो सामने आना ही था, ऐसे में हमारा एजेंडा, हमारी तैयारी जो है एनडीए के तरफ से वो पूरी है, हम चुनावी मैदान में अपने एजेंडे के साथ जाएंगे और हमें विश्वास है कि हम जीत भी हासिल करेंगे। इसके साथ ही संतोष सुमन ने कहा कि जीतन राम मांझी एक साफ सुथरे छवि के चेहरे हैं और ऐसे में अगर वो सांसद बनते हैं तो गया सीट, जो गया है, उसका नाम भी आगे बढ़ेगा। जीतन राम मांझी एक अच्छे उम्मीदवार हैं, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। तमाम ऐसे अपडेट के लिए द बिहार टॉप को फॉलो करें। धन्यवाद।